सो वो सारे प्रोसैस के लिए वी एफ एस ऑफिस चंडीगढ़ और जलंधर के उन्होंने 6 जुलाई तो अनाउंस करता है कि ओपन हो जाने कि कुछ कंसल्टेंट ये कहें कि जी असं तो अकाउंट के पैसे दिखा देंगे पर वो पैसे दिखाने के नाम से 8-8% 10-10% चार्ज करते हैं। आप सिंपल जी कैलकुलेशन लाइए कि एक बच्चे 15 लाख के फंड अगर दिखाने पै रहे हैं तो उन्हें 10% वह अगर वो ब्याज दिता है तो 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ तो सिर्फ वह ब्याज हो। कदे भी किसी भी कंसल्टेंट नू ना तो कैश तुसी फीस पे करनी है चाहे वह मैं चाहे कोई होर कंसल्टेंट है ना वो अकाउंट के फीस पे करनी है। फीस डायरैक्टली अपने अकाउंट तो सीधी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के अकाउंट के ही जानी चाहिए। इतने भी इंटरव्यू के नाम से भी कुछ कंसल्टेंट 50-50 हज़ार रुपया अलग तो लेंदे सानू ये चीज़ पता चलती है कि इंटरव्यू क्लीयर कराने के भी पैसे ले जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वसुधा। आज की हमारी वीडियो जो है ये एक गुड न्यूज़ है उन सारे एप्लीकेंट्स के लिए जो कि यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं एंड एम कर रहे हैं सितंबर 2020 इनटेक। सो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ दैट यूके की हाई कमीशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है दैट 6 जुलाई से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स जिसको हम VFS सेंटर बोलते हैं वो ओपन हो रहे हैं। कुछ लिमिटेड सेंटर्स ही ओपन किए जा रहे हैं इंडिया की बात करें अगर हम तो एंड स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो पंजाब के एप्लीकेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है दैट पंजाब में जलंधर एंड चंडीगढ़ सेंटर्स दोनों ओपन हैं। जो एप्लीकेंट्स पंजाब से बाहर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेक कर सकते हैं लिंक में दैट उनको नियर बाय कौन सा सेंटर पड़ रहा है। सर VFS सेंटर्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? VFS सेंटर में स्टूडेंट्स या उन्होंने पेरेंट्स की इनफॉर्मेशन लिए दस देना कि VFS सेंटर वो सेंटर है जिथे यूके की एप्लीकेशन सबमिट होंगी है। हम बहुत सारे स्टूडेंट का भी सवाल हो सकता है कि आजकल फाइलिंग तो ऑनलाइन होंगी है सो ऑनलाइन फाइलिंग नो डाउट होंगी है बट यूके की फाइल भरी ऑनलाइन जाती है फिर उस तो बाद वो प्रिंट आउट निकलते हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जेडे ऑफर लैटर वो फीस की रिसीट्स वो सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो सारे नाल लग के फाइल मैनुअली उत्थे बायोमैट VFS ऑफिस के सबमिट होंगी है जिते बच्चे के बायोमैट्रिक भी होंगे है तो प्लस जी उन्हें एम्बेसी फीस भरी है उन्हें इंश्योरेंस भरया वो रिसीट्स भी नाल उत्थे सबमिट होंगी है। सो वो सारे प्रोसैस के लिए VFS ऑफिस चंडीगढ़ और जलंधर के उन्होंने 6 जुलाई तो अनाउंस करता है कि ओपन हो जाने हैं। सो जे स्टूडेंट सितंबर इनटेक या जनवरी इनटेक फाइल्स लगाना चाहते हैं वो अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर, सो दैट वाज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सो मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ जो हमारी आज की वीडियो है हम उसमें यूके स्टडी वीज़ा के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज रहती हैं, पेरेंट्स को कितने फ़ंड शो करने पड़ते हैं, कितने अपने एक्सपेंसेस करने के लिए फ़ंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं है एंड ये हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे मिस्टर सुनील चौधरी। सर आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस 1-to-1। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं? मैम एडमिशन रिक्वायरमेंट के अगर गल करिए 3-4 चीज़ा आ जाती है कि बच्चे की लैंगुएज प्रोफिशिएंसी मतलब IELTS या IELTS वर्गा होर कोई टेस्ट, बच्चे की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, बच्चे का गैप है नहीं है, बच्चे की इंटरव्यू आएगी या नहीं आएगी। सब तो पहला आप गल करते हैं IELTS कि यूके एक इदा की कंट्री है इस करके भी बच्चे यूके अप्लाई करने काफ़ी विलिंग होंगे कि यूके IELTS की बाउंडेशन नहीं है। जिन्हें बच्चों का इंग्लिश की परसेंटेज प्लस टू के 70% या उस तो ज़्यादा हैगी है वो विदाउट IELTS यूके अप्लाई कर सकते हैं चाहे बच्चा ग्रेजुएट है चाहे बच्चा सिर्फ हले प्लस टू ही की है। सो यही है कि इतने IELTS वाले अप्लाई नहीं कर सकते IELTS या वो वर्गे भी होर अगर टैसट है तो वो टैसट दे के भी तुम यूके एडमिशन लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर अप्लाई करना है विद IELTS तो जोड़े ग्रैजुएशन के कुछ प्रोग्राम है प्लस टू तो बाद अगर बच्चा अप्लाई करता है तो 5.5 ईच की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल स्कोर कुछ भी हो सकता है। जोड़े बच्चे ग्रैजुएट है उन्होंने अगर अप्लाई करना है तो 5.5 ईच की रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल 6 की रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 6.5 ओवरऑल तो 6 ईच से भी लेने सो इंडिविजुअली भी उन्होंने क्राइटीरिया है। बाकी विदाउट IELTS मैं दस ही दिता कि इंग्लिश की परसेंटेज अगर 70% प्लस टू के हैगी है तो चाहे बच्चा ग्रैजुएशन तो बाद अप्लाई कर रहा है चाहे प्लस टू तो बाद अप्लाई कर रहा है विदाउट IELTS अप्लाई कर सकता है। दूजी गल आ जाती है परसेंटेज की, सो परसेंटेज नू लेके भी यूके हाई कमीशन काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ के नालों रिलैक्स है अगर बच्चे के नंबर
50% 55% या इस तो ज़्यादा है तो ईजीली उन्होंने चंगी यूनिवर्सिटीज़ के जी एडमिशन हैगी मिल जाती है। गल करिए गैप की, अगर बच्चा प्लस टू तो बाद अपलाई कर रहा तो 3-4-5 साल तक का गैप भी असैप्टेबल हैगा। अगर बच्चा वो कुछ जस्टिफिकेशन दे सकता तो कि उन्हें उस टाइम पीरियड की किया। अगर कैंडीडेट ग्रैजुएशन तो बाद अपलाई कर रहा है तो वो को अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो अप टू 10 ईयर्स मतलब 10 साल तक का गैप भी असैप्टेबल है, पर उन्होंने दसना पेगा कि उन्हें 10 साल के टाइम पीरियड की किया है। हुण इत्थे कुछ स्टूडेंट कहें जी असी काम किया है पर साडे कोल सिर्फ काम के नाम तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सैलरी साडे अकाउंट च नहीं आती सी, सो कैश ते अगर सैलरी आती सी तो तुसी दिखा सकते हो तो उहदे नाल भी तुसी जिहड़ा हैगा उह अप्लाई कर सकते हो। ग्रेट सर, हम मेरा सेकंड क्वेश्चन आपको ये है कि फंड्स जो होते हैं वो कितने शो करने हैं, कौन शो कर सकता है एंड कैसे अरेंज करना है? देखो जदों गल आती है फंड्स की तो कोई भी कंट्री होवे तो उत्थे फंड्स दिखाउण दा या वो कंट्री की जिहड़ी गवर्नमेंट है वो फंड्स ते ना फोकस इस करके करती है कि वो देखना चाहते हैं कि जिहड़ी कंट्री दे विच तुसीं पढ़न आना चाहते हैं उत्थे जो थोड़ा टाइम पीरियड दे विच रह के खर्चा आन वाला या थोड़ी पढ़ाई का खर्चा, एक तो फीस होगी जिहड़ा बच्चा अपनी होम कंट्री चो पे करके आ रहा, बाकी की फीस तो जिन्ना टाइम उन्हें पढ़ना है उस कंट्री दे विच जाके तो उत्थे खर्चा बच्चा किद्दां जिहड़ा हैगा पूरा करूगा या उहदे पेरेंट्स कोल इन्ने पैसे हैगे कि उत्थे फीस या अपनी लिविंग का खर्चा वो चक सके, इसलिए जिहड़े रूल हैगे आ वह फंड्स दे हैगे। सो यूके दे विच फंड दा जिहड़ा सिस्टम हैगा कि अगर बच्चा 6 महीने की फीस इंडिया तो भर के जाता है तो उन्होंने अराउंड 15-18 लाख के फंड जिहड़े हैगे वो दिखाने पैंदे आ जिहदे विच उहदे लिविंग भी 1 साल के कवर हो जाते तो अगली जिहड़ी आने वाली फीस है वह भी कवर हो जाती है। अगर बच्चा 1 साल की फीस इतों भर के जा रहा है तो उन्होंने जोड़े फंड है वो घट जाते हैं, तकरीबन उन्होंने 10-12 लाख की ही फंडिंग रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इन्ने फंड दिखाने की लड़ है। हाँ हम फंड कौन कौन दिखा सकता है, फंड वो पेरेंट्स के अगर अकाउंट पे है तो वो फंड चल सकते हैं, स्टूडेंट के अपने अकाउंट के पे है वो चल सकते हैं, अगर स्टूडेंट मैरिड है वो स्पाउस के अकाउंट के पे है वो फंड चल सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी कोई वो चाचे ताए मामे उन्होंने अकाउंट के पे हुए फंड स्टूडेंट नहीं दिखा सकता। तो यूके दे विच एक होर वड्डा एडवांटेज की है कि फंड इतने सिर्फ 1 महीना पुराने, 1 महीना पुराने भी नहीं वैसे 28 दिन पुराने होंगे, 1 महीना जनरल लैंग्वेज कह दें 28 दिन पुराने फंड ही चाहिए होंगे, जिदा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड 3 महीने या 6 महीने पुराने चाहिए, सो इतने वो भी बाउंडेशन नहीं है। सो वड्डी गौर करन वाली गल की है कि एक मिडल क्लास फैमिली तो स्टूडेंट अगर हैगा जो अप्लाई करता है यूके दे लई तो उन्होंने लगता है कि 12-15 लाख मैं शो करना मेरे लिए बहुत औखा है क्योंकि अज के टाइम के किसी को 12-15 लाख कैश या बैंक के नहीं पे होंगे, तो हुण पेंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है ये जो जे सेविंग्स किसी को वैसे भी खत्म हो गई तो हुण जो आने वाले टाइम के हो सकता है, पहला भी ये चीज़ा होंगे रही कि कुछ कंसल्टेंट ये कहें कि जी असं थोड़े अकाउंट के पैसे दिखा देंगे पर वो पैसे दिखाने के नाम से 8-8% 10-10% चार्ज करते हैं। हुण तुसी अगर आप सिंपल जी कैलकुलेशन लाइए कि एक बच्चे 15 लाख के फंड अगर दिखाने पै रहे हैं तो उन्हें 10% वह अगर वो ब्याज दिता है तो 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ तो सिर्फ वह ब्याज होगा जी कि बहुत वड्डी अमाउंट है। सो 1.5 लाख जदों बच्चा उत्थे जाके यूके या जिहड़ी भी कंट्री चो पढ़न चलिया जब उत्थे जाके उन्हें कमाने पैने तो उन्हें एक्चुअल पैसे की रुपये की उन्हें वैल्यू पता लगनी है कि वो पैसे किदां कमाए जाते हैं। सो फंड शो करन दे होर भी तरीके हैगे आ, 7-7.5 लाख तक अज गवर्नमेंट लोन दे रही है जिहड़ा कि विदाउट एनी सिक्योरिटी एजुकेशन लोन मिलता है, तुसीं जाके पता कर सकते हो डिग्री या पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम लई वो मिलता है तुसीं वो लै सकते हो, बाकी 7-8 लाख के जिहड़े बचे फंड वो तुसीं किसी मित्र सज्जन रिश्तेदार तो उधार लैके भी अपने अकाउंट च पवा सकते हो क्योंकि 1.5 से 2 महीने की मैक्सीमम गल है, उहदे विच तुहाडा वीज़ा आ जाता है सारा प्रोसैस पूरा हो जाता है, सो तुसीं बाद दे विच उन्हां नूं जिहड़े हैगे रिटर्न कर सकते हो। सो मैं इत्थे यही कहना चाहूँगा कि जिहड़े 8-8, 10-10% ब्याज ते लैण नालों तुसीं अपना जिहड़ा मेहनत दा कमाया होया पैसा है वो बर्बाद करन नालों किसे नाल गल करके एडजस्टमेंट करके इदां मैनेज कर सकते हो, या जिहड़े पिंडां वाले हैगे जिमीदार बंदे आ जिहड़े आड़ती कोल फसल सुट्टदे आड़ती नाल उहनां दा लैण देण चलदा हुंदा है तो आड़ती तो भी अगर तुसीं उधार पैसे फड़ के अपने अकाउंट च पाने हो तो मैनूं नहीं लगता 2-2.5% या मैक्सीमम 3% तो ज़्यादा कोई आड़ती लूगा, सो कितने 10% तो कितने 3%, सो थोड़ा सोच विचार करके चलो तो अपना पैसा जिहड़ा पैसा बच के तुहाडी जेब च पिया कल नूं तुहाडे काम आ सकदा है तुहाडे बच्चे दे काम आ सकदा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत क्वेरीज भी आती हैं हमें इसके रिलेटेड, दैट फीस कितनी ट्रांसफ़र करनी है एंड फ़ी का मोड क्या रहना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कंसल्टेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो देन वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहिए यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। देखो जी गल है फीस दी
फीस जदों बच्चा किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऑफर लैटर अप्लाई करता तो ऑफर लैटर के उपर लिखा होंगे। यूके दे विच रूल की हैगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यूके दी कहंदी है 100% फीस ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ नहीं मंगती। यूनिवर्सिटी कहंदी है कि एक मिनिमम डिपॉजिट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 3,000 है, कुछ का 4,000 है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहंदी है 50% या 60% फीस तुसी इधरों पे करो ते पे करके ते तुसी आ सकते हो ते बाकी दी फीस तुसी यूके पहुँचण ते बाद दे विच अगले 6 महीने बाद पे कर सकते हो। हुण गल आंदी है कि फीस पे किदां करनी है। जिदा तुसी गल कीती कि कुछ कंसल्टेंट कहिंदे जी साडे अकाउंट दे विच पे करो असी ही अगे पे करांगे होर कोई तरीका नहीं है, सो ये तुहानू गुमराह करन दा तरीका है। गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना। जिहड़ी ऑफर लैटर तुहाडी आउंदी है उस ऑफर लैटर दे उपर यूनिवर्सिटी दी अकाउंट डिटेल मैनशन हुंदी है, सो कदे भी किसी भी कंसल्टेंट नूं ना तां कैश तुसी फीस पे करनी है, चाहे वह मैं आ चाहे कोई होर कंसल्टेंट है, ना उहदे अकाउंट दे विच फीस पे करनी है। फीस डायरैक्टली अपने अकाउंट तो सीधी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के अकाउंट के ही जानी चाहिए। सब तो सेफ तो बेस्ट तरीका यही है फीस भेजने का, सो गुमराह होने की जरूरत नहीं। जे कोई कंसल्टेंट कहता है कि मेरे अकाउंट के फीस जाएगी तुम मेरे अकाउंट के भेजो तो उत्थे तुम्हें समझ लैन की जरूरत है कि वह कंसल्टेंट अज नहीं कल तुहाडे नाल धोखा करन वाला है। सो उस कंसल्टेंट नूं उत्थे छड्ड के कोई चज का कंसल्टेंट देख लो, सो अपना पैसे वेस्ट या टाइम वेस्ट अपना ना। ग्रेट सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको ये है दैट स्पाउस आज जा सकता है या नहीं जा सकता या स्पाउस कब अप्लाई कर सकता है? देखो स्पाउस की गल है कि अगर तो स्टूडेंट प्लस टू तो बाद अप्लाई कर रहा है तो स्पाउस नूं वर्किंग राइट नहीं मिलते। स्पाउस 2 या 3 महीने बाद विजिटर वीजा दे मतलब घूमन फिरन जा सकता है। अगर एक कैंडिडेट इतों ही ग्रैजुएशन करके पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा या डिग्री ले या मास्टर्स प्रोग्राम ले यूके पढ़न जा रहा है तो उहदे स्पाउस नूं उहदे हसबेंड या वाइफ नूं वर्किंग राइट पहले दिन तो मिलणगे, पर एडवाइजेबल यह है कि एक बार जिहड़ा पढ़न चलिया बच्चा है वो उत्थे पहुँच जाए वो तो 1.5-2 महीने बाद इधरों अपलाई करो तो स्पाउस जिहड़ा हैगा वर्किंग राइट ते मतलब फुल टाइम वर्क राइट उहनूं होणगे, उत्थे जाके काम कर सकदा है। हुण जिहड़ी चीज़ इत्थे प्रमोट की जाती है कुछ कंसल्टेंट इदा भी कह देंगे कि जी असीं तुहानूं कट्ठे भेज देंगे, सो कट्ठे भेजण वाला जिहड़ा चीज़ हैगी है नो डाउट एम्बैसी वल्लों कोई इदां दीआं गाइडलाइनस नहीं हैगीआं कि तुसीं कट्ठे नहीं जा सकते, पर जो साडा पास्ट एक्सपीरियंस कहिंदा उहदे हिसाब नाल तुहानूं फाइल 1.5-2 महीने वेट कर लेनी चाहिए है, सो उस तो बाद ही अप्लाई करना चाहिए। प्लस टू वाले ਲਈ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਊਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 50,000-50,000 ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਉ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੀਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਲਏਗਾ, ਆਪਣਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਊਗਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ
एम्बेसी ये चीज़ खुद कहती है कि एम्बेसी का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो यूके का वीज़ा सक्सैस रेट है स्टूडेंट वीज़ा का वो 95% नालों ज़्यादा है। सो एडमिशन लेनी औखी है, तो अगर 100 चो 95 बंद का वीज़ा आ रहा है तो इट मीनस बहुत अच्छा सक्सैस रेट है। तो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है, एक बार थोड़ी एडमिशन होगी वीज़ा के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर मैं एक लास्ट एक क्वेश्चन आपको एडअप करना चाहती हूँ, एंड मेरा ये क्वेश्चन है दैट अब कौन सा इनटेक स्टूडेंट्स एम करेंगे? देखो अगर स्टूडेंट जुलाई के बीच अप्लाई करता है एडमिशन लिए तो वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकता है। बट थोड़ी जी चीज़ इतने ध्यान रखने वाली ये है कि VFS ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं, ठीक है, यूके एम्बेसी ने भी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, VFS ऑफिसेज 6 तो ओपन हो रहे हैं तो एम्बेसी ने भी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, तो बट इंटरनेशनल फ्लाइट्स हले नहीं चली हैं। सो ये चीज़ स्टूडेंट को जरूर देखनी चाहिए है। मैं कहना एडमिशन ले लो, फीसा भरा के थोड़ा तुम्हें टाइम मिलना उदों तक हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जे यूके एम्बेसी स्टार्ट हो रही है, VFS ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं स्पेशली यूके वास्ते, तो आने वाले टाइम के जिहड़ियां इंटरनेशनल फ्लाइट्स है यूके दियां वह भी स्टार्ट हो जाए। हाँ बट सब तो पहला जिहड़ी तुहाडी ते तुहाडे फैमिली की सेहत सब तो पहला है। सो बच्चों ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए है कि एक चीज़ उन्होंने जरूर देखनी है कि जोड़ा बच्चा ट्रैवल करके यूके जा रहा है वो को 14 दिन क्वारंटीन होने की कोई फैसिलिटी हैगी, कोई इदा की जगह हैगी कि उत्थे जाके 14 दिन जो एकांतवास के रह सके, तैयारी बच्चे पहले करके चलनी पैनी है। सो आने वाले टाइम के अगर फ्लाइट्स के बारे कोई भी अपडेशन आती है तो वह भी असं बच्चों दसांगे। सो फिलहाल की घड़ी रही अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन प्रोसैस बच्चे स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो बाकी जो फाइनल डिसीजन वो बच्चे से पेरेंट्स के उपर है, जिदा उन्होंने ठीक लगता वो कर सकते। थैंक यू सो मच सर इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड शेयर करने के लिए एंड हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो व्यूअर्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ अगर आपके इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें कॉल करिए नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर, आप हमें डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं जस्ट एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आइए, ईमेल पे हमें ड्रॉप करिए मेल डॉक्यूमेंट्स अपने, एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।